लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में बात करें महाराष्ट्र राज्य की तो यहां की सियासत तब गर्मा गई जब ये खबर सामने आई कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना MNS NDA में शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि पार्टी प्रमुख राज ठाकरे सोमवार यानी 18 मार्च रात दिल्ली पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि MNS ने महाराष्ट्र में BJP से 2 सीटों की मांग रखी है, तो वहीं राज ठाकरे दिल्ली में BJP अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र BJP के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी राजधानी में ही हैं। सूत्रों ने बताया कि MNS की तरफ से जिन 2 सीटों की मांग रखी गई है उनमें 1 सीट दक्षिण मुंबई की है जबकि दूसरी सीट शिरडी है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार यानी 19 मार्च को BJP हाईकमान के साथ राज ठाकरे की मुलाकात होने वाली है जहां वो इन 2 सीटों को मांग सकते हैं। साथ ही MNS ने आधिकारिक तौर पर NDA में शामिल करने का भी ऐलान किया जा सकता है। पिछले कई हफ्तों से BJP और MNS के नेता साथ देखे गए हैं। दरअसल MNS और BJP को लेकर लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि वे दोनों पार्टियां महाराष्ट्र में साथ आ सकती हैं। इनकी प्रमुख वजह दोनों पार्टियों के नेताओं की मुलाकात है। मुंबई BJP प्रमुख आशीष शेलार हूं या फिर देवेंद्र फडणवीस, हर कोई राज ठाकरे से जाकर मुलाकात करते रहे हैं। फडणवीस को फरवरी में ही रात से मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे, तभी कहा जाने लगा था कि जल्द ही MNS NDA में शामिल हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में NDA के साथ कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। तो 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में राजनीति की तस्वीर काफी बदल गई है। कभी NDA का हिस्सा रही शिवसेना अब उससे अलग हो चुकी है। शिवसेना 2 गुटों में बंट गई है जिसमें से 1 गुट का नेतृत्व उद्धव ठाकरे के पास है जबकि दूसरे का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास। उद्धव गुट वाली शिवसेना को शिवसेना UBT के तौर पर जाना जाता है जो अब NDA का हिस्सा नहीं है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना अभी भी उसके साथ है। इसी तरह से NCP भी 2 हिस्सों में बट गई है जिसमें से 1 गुट का नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व उनके भतीजे अजीत पवार के पास है। पिछले साल जुलाई में NCP 2 हिस्सों में टूट गई। अजीत पवार के गुट वाली NCP भी NDA का हिस्सा है। इस तरह से BJP के पास महाराष्ट्र में 2 सहयोगी हैं। अगर MNS भी NDA का हिस्सा बन जाती है तो इससे उसे महाराष्ट्र में काफी मजबूती मिलेगी।